CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कोटा पहुंचे। सतीश पुनिया रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर की पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सतीश पुनिया का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सतीश पुनिया को मालाओं से लाद दिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हेमंत विजय, विधायक चंद्रकांता मेघवाल, संदीप शर्मा, पूर्व विधायक हीरालाल नागर, भवनी सिंह, राजावत सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सतीश पुनिया ने कई मुद्दों पर बातचीत की। आगामी निकाय चुनावों पर बोलते हुए सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लालच में वार्डों में अपने मनोनुकूल तोड़फोड़ कर पूर्ण सीमांकन कर दिया, लेकिन जनता सब देख रही है और जनता इस धारणा को तोड़ देगी कि जिसकी राज्य में सरकार है उसी की निकाय चुनावों में जीत होगी। सतीश पुनिया ने अशोक गहलोत व शांति धारीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों बड़े नेता इसी जद्दोजहद में उलझे रहे कि निकाय प्रमुखों के चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से कराए या अप्रत्यक्ष तरीके से। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दो धड़ों में बटी हुई है। सतीश पुनिया ने कहा कि अशोक गहलोत अपने आप को राजस्थान का गांधी कहलाते हैं, लेकिन उनके पुत्र को बुरी हार का सामना करना पड़ा और वो बौखलाहट में है। उनकी सुबह की शुरुआत ही संघ और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी से होती है और अब वो अपने पुत्र को क्रिकेट की सियासत में सेट करने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम नियम कायदों का उल्लंघन किया है। इस मामले में बीजेपी कहीं नहीं है, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के बीच सियासी घमासान चल रहा है। सतीश पुनिया ने कहा कि अशोक गहलोत का ध्यान बेटे को काबिज करने कराने व अपनी खुद की कुर्सी बचाने में ज्यादा है। उनका ध्यान प्रदेश में कम और दिल्ली दरबार के चक्कर लगाने में ज्यादा है। वार्डों को इस तरीके से विभाजित किया जाए ताकि कांग्रेस का वोट बैंक जो अपील हमेशा करती रही है तुष्टीकरण, उस नाते वार्ड ऐसे बने ताकि उनको जीत ज्यादा मिले। पहले भरोसा था कि जो वोटों का विभाजन होगा उनके हक में होगा और हम सीधा चुनाव भी जीत जाएंगे। फिर उनको लगा कि सीधा नहीं जीत सकते, वार्डों को हमने काट छांट कर इस तरीके से किया कि कांग्रेस को उसका लाभ मिले। अभी तक तो ये धारणा थी कि जिनकी सरकार होती है उनको निकायों में लाभ मिलता है, लेकिन अभी आपने दृश्य देखा होगा कि शांति धारीवाल जी से लेकर अशोक गहलोत जी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से कराएं कि अप्रत्यक्ष से कराएं। उनको फायदा किससे होगा ये भी फैसला नहीं हो पा रहा। एक असमंजस की दुविधा और सरकार में बनी हुई है। उसका कारण साफ है कि विधायक दल के दौरान जब चर्चा हुई तो इन्हीं के विधायकों ने आक्रोश व्यक्त किया और आपस में पार्टी पूरी तरीके से डिवाइडेड है। दो ध्रुव हैं कांग्रेस के, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दो खेमे साफ तौर पर बटे हुए नजर आते हैं इस मुद्दे पर भी। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए हम पूरी ताकत और तैयारी से लड़ेंगे, इस धारणा को भी तोड़ेंगे कि जिसकी सरकार होती है उसको निकायों में जीत मिलती है। मैं निश्चित रूप से भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके की सरकार के खिलाफ जो वातावरण बना है वो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। जनता के बीच में बेहद आक्रोश है। अशोक गहलोत जी ने 10 साल राज किया दो अंतराल पे, 10 वर्षों में लगातार खारिज होते गए। विडंबना यह है कि राजस्थान का गांधी कहलाने वाले अपने पुत्र को बुरी हार का सामना उनके पुत्र को करना पड़ा और उसके बाद से वो बौखलाहट में है। सुबह उनकी संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोधी बयानों से शुरुआत होती है। मुझे लगता है कि उस बौखलाहट को दूर करने के लिए अब उनको एक सियासी पिच मिली, क्रिकेट की पिच। उस क्रिकेट की पिच पर अपने को बेटे को काबिज करने के लिए जिस तरीके से हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, लोकपाल की, इन सब कानूनी बाध्यताओं की अवहेलना करके भी और काबिज कराने के लिए मशक्कत किए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसमें हम कहीं पार्टी नहीं है, उन्हीं के पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उन्हीं के नेता, उनके और उनके पुत्र के बीच में ये क्रिकेट की पिच पर सियासी जंग चल रही है। राजस्थान इसको देख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि गहलोत साहब को बेटे को काबिज कराने में और अपनी कुर्सी बचाने में इस बात की फिक्र ज़्यादा है
उनका यदि ट्रैक देखें तो दिल्ली दरबार की हाजिरी और राजस्थान की अनेकों घटनाओं पर उनका मौन ये साफ इंगित कर देता है